वेल हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कॉफ़ी कैसा बनाते बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये एक कंटेनर है जिसमें मैं ये मार्क्स, जहाँ तक दिख रहा है आपको ये मार्क वहाँ तक दूध लिया, तो ये डबल कॉफ़ी मतलब फुल कप के वास्ते है ये, तो इतना दूध बस है। और ये है कॉफ़ी मशीन और इसका नाम डिलोंगी या डीलोंग या वॉट एवर जो भी है। तो बेहतरीन दिख रही मशीन। तो बटन दबा के मैं ऑन कर लिया। यहाँ पे आई थिंक एक कितना ग्राइंड होना बोल के लेवल है ये यहाँ पे ऐसा है। और मैं डबल शॉट रखा तो 2x है। और जो है अपने को एस्प्रेसो निकालने वाले हैं और उसको फ्रॉथ करने वाले हैं। अगर खाली लॉन्ग ब्लैक होना, ब्लैक कॉफ़ी, तो ये ब्लैक पे रख लेना, बट राइट नाउ अपने को एस्प्रेसो होना। और नेक्स्ट ये कॉफ़ी जो ग्राइंड होती इसमें आती, तो इसको ऐसा रख के, ये 2 कप्स है ये डबल शॉट के वास्ते और ये सिंगल शॉट के वास्ते। अपन अब करंटली डबल शॉट पी रहे, तो डबल शॉट, माय गुडनेस, मेरी उंगली अटक गई थी, अब बीच दिखा रहा हूँ, कट ऑलमोस्ट कट गई थी बट बच गया वहीं। एनीवेज ये आ गई। अब इसको इसमें डालने में ग्राइंड हो जाते बीन्स। तो ये ग्राइंड ग्राइंड हो गए। अब ऐसा ऊपर ऊपर रहते हो तो उसको ज़रा प्रेस करना। आप प्रेस करने के वास्ते ये है, ये लेके ऐसा ऐसा करे तो प्रेस हो जाता। वंस ये प्रेस हो गए तो अपन इसको निकालना। बेहतरीन तरीके से प्रेस हो गई। और हाँ, क्या वो है कॉफ़ी की ज़बरदस्त वो। अब ये यहाँ पे लगा देना और टाइट लग गया। यहाँ पे कपाँ है, कप ले लो। ओके, नीचे रख दो कप, नीचे रख के अब ओके दबाना, तो अब इसमें से एस्प्रेसो निकलता। और यहाँ पे प्रेशर भी बता था, प्रेशर बढ़ रहा और यहाँ पे ये निकल रहा। और वो एस्प्रेसो पूरा उसमें आ जाता। ओके, थोड़ी देर वेट करना, थोड़े ड्रॉप्स आई थिंक, और 1-10 सेकेंड्स। एक एक ड्रॉप कीमती ड्रॉप है ये। तो एनीवेज ये बीन्स है ये, तो ये कौन से की स्पेशल, कहाँ से की लाइसो बीना है कहते, तो इसमें हाँ वो ज़बरदस्त खुशबू भी है। वो ग्राइंड होके वो आइसो है ये। तो अपना तो ये रेडी हो गया, साइड में रख दो। और अब ये जो है इसको निकालो और इसको सिंक में डाल के धो देना है, जो मैं बाद में धोता हूँ। और दूध लियो, दूध को फ्रॉथर में लगाओ और यहाँ पे अटका दो ऐसा। तो इसमें 2 सेटिंग्स है, फ्लैट एंड फोम। फोम रखे तो बहुत ही फोमी बबली हो जाता, तो मैं फ्लैट पे रखता हूँ। और इसको ऑन कर दो और बस ऐसा रखना। ये एक अराउंड 40 सेकेंड लेता है फ्रॉथ होने के वास्ते। तो देखते रहो फ्रॉथ कैसा होता है। तो इसको अगर मैं फोम पे कर दिया तो ये बहुत ही बबल्स 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 हो जाते हैं और बहुत फोम आ जाता, क्रीम ऐसा आ जाता, फोमी फोमी हो जाता। जो स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा फोम का स्पीकिंग था,
थोड़ा नया नया दिख रहा बोलते, बट इवेंचुअली फोम हटा दिया मैं। एक्चुअली मैं लॉन्ग ब्लैक ही पी रहा हूँ मैं, बट सुबह में एक बार ऐसा कैपुचिनो टाइप की थी तो मेरी उंगली अटक गई थी, मुझे मार खा गया यहाँ पे। ये सब देखो बन जा रहा, फोम ही ऐसा मिल्क बन गया है, और थोड़ा होने में मैं बंद कर देने वाला हूँ। ओके आई थिंक ये कंसिस्टेंसी मेरे लिए इनफ करके दिख रहा मेरे को, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। और एक्चुअली ये टू हैंड जॉब है, बट एनीवेज वन हैंड से खींच लिया और इसको इमिडिएटली क्लीन कर देना, इसको ऐसे इतना ही छोड़ना। बट क्योंकि मैं तुम लोग को बता रहा हूँ तो अब बेहतरीन तरीके से बरिस्टा है भाई। अब ये एक हाथ से पकड़ के डालना, बट मैं अब वीडियो में ऐसे डालने वाला हूँ, देखेंगे इसमें मैं फ्लावर या हार्ट या क्या डाल सकते हैं। नॉट बैड राइट, चिंदियाँ के आ गया फ्लावर या टी ट्री या जो भी है, तो ये दुकान में यहाँ तक डाल के दे देते हैं आपको। और ज़रा डिज़ाइन करना बोले तो ऐसा 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 करके यूँ कर देते, बट क्योंकि अपने पास और इतना क्रीम है तो पूरा डाल देता हूँ मैं इसके ऊपर। और दैट्स योर क्रीमी फ्रॉथी एक्सेलेंट कैपुचिनो माइट, दैट्स इट।